मैं सनातन संस्कृति प्रोत्साहन मंडल का संस्थापक पंडित मनमोहन मुद्गल आप समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि आज जिस महामारी से संपूर्ण विश्व भयाक्रांत है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रयास किए वो प्रशंसनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय है। इस देश में जिन्होंने इस सेवा में होते हुए अपने प्राणों की आहुति दी ऐसे महान देवदूतों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही वर्तमान में जो सेवक चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों नगर पालिका के हों या नर्सेज हों या किसी भी विभाग के कर्मचारी उन सब को मैं साधुवाद देता हूँ कि वो निर्भय होकर परितार्थ अपने जीवन को लगा रहे हैं, उनकी लंबी उम्र होगी ऐसा मेरा ईश्वर से निवेदन है, ईश्वर से प्रार्थना है। साथ ही साथ मास्क लगाना न भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें और जब आप बाहर निकलें तब भी और बाहर से भीतर जब आए अपने घर में तब भी आप 20 मिनट कम से कम हाथ पैर धोना शुरू करें ताकि यदि कोई वायरस आपके ऊपर अतिक्रमित हुआ है वो आपके परिवार में उसका कोई प्रभाव न हो। इन सब क्रियाओं को यदि हम पालन करेंगे तो निस्संदेह हम अपने राष्ट्र से ही नहीं बल्कि विश्व से कोरोना जैसे राक्षस को भगाने में समर्थ हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। मैं पुनः अपील करता हूँ कि जो भी आदेश निर्देश शासन के द्वारा मिल रहे हैं वो शासन के लिए लाभकारी नहीं है बल्कि आप सबको हमारे जीवन को, हमारा जीवन रहेगा तो जहान रहेगा और जहान रहेगा तो जीवन होना चाहिए, इसलिए इन बातों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य परम धर्म, मानव धर्म ही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म मैंने अपने जीवन में समझा नहीं है। शंभु शंभु शंभु। एवं मेरी अपील मीडिया कर्मियों से है कि वो अपने स्वास्थ्य का सुरक्षा का ध्यान रखते हुए समाज तक कोरोना के विषय में समस्त जानकारी जो उनके द्वारा दी जा रही है वो सबसे बड़ी बात है। आज के युग में मीडिया कर्मी के द्वारा जो हम लोगों को व्यवस्था दी जा रही है उससे बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। ऐसे मीडिया कर्मियों को भी मैं साधुवाद देता हूँ और आने वाले समय में हम अपने देश को पूर्णतः सुरक्षित कर लेंगे, इसमें संदेह नहीं। जय हिंद, जय भारत।